हेडफोन्स लाजमी लगा लेना। वी आर वार्निंग टू फॉलोइंग। हां गर्मियन के कहते रे बहन जी मास्टर लगाओ भी गणिया फटेगा ना टपट। रेडी है जी। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धागा न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धागा न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, से धर्मेंद्र धागड़ के साथ। जैसा कि अभी आपको भी खबर मिल रही होगी कि कोरोना जो है उसका नया नया वेरिएंट है, XB1 और BF7 करके वेरिएंट है कोरोना का, वो आया है। और जैसा कि पिछली बार आपने देखा था कि हमने घाट पर एक मुहिम चलाई थी जिससे लोग कोरोना से बच सके, तो इस बार भी हम वो मुहिम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि अभी केसेस है ना थोड़े कम है, तो लोगों को अभी जागरूक किया जा सकता है और उन्हें समझाया जा सकता है कि वो इस तरह से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो कोरोना से वो बच सकते हैं। तो इस बार बिना लाज जूता बिना मारधाड़ के हम थोड़ा सा प्यार से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि धाकड़ न्यूज जो है आंडू गांडू न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का चैनल है। तो इसलिए हमने इंडोनेशिया से एक एक्सपर्ट जो कि कोरोना के एक्सपर्ट है उनको भी बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। उनका नाम है कोचिंग हम था जी हुन ते लोड़ा याशी उनका नाम है। तो उनसे हम बात करेंगे और कोरोना के बारे में उनकी जानकारी लेंगे और आपसे साझा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चलते हैं, कुछ पब्लिक वगैरह से बात करते हैं जी की, और उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ, इधर आइए हमारे साथ, इधर खोपचा है जी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करें। देखिए इन्होंने मास्क लगाया, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इनसे थोड़ी सी बात करेंगे हम। अभी जो वेरिएंट आया है BF7, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? अरे ये सब हम नहीं देखते भैया। अरे वो देखने वाला बीएफ नहीं, वो आया है जो कोरोना का वेरिएंट है ना, उसका नाम रखा गया है BF7। ठीक है, तो जैसे कि अभी और बाहर के देश है, बाहर की कंट्रीज है, तो उनमें केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे पिछली बार गाड़फाड़ मुहिम चलाई थी, लोगों को मारा था कि वो कोरोना से बच सके, तो इस बार भी हम वो मुहिम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले ताकि हम आपको जागरूक कर सके कि इस तरह के केसेस यहाँ नहीं आए, वेब जो आता है थर्ड वेब लड़ा वेब जो भी वो नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं जी। और धागा न्यूज की तरफ से आपको एक मास्क दिया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बच सके और दूसरे को भी इन्फेक्ट होने से बचा सके। ठीक है ना, कोची बोला ऐसा है, कोई स्टडी ये नहीं कहता है कि मास्क लगाने पर कोरोना से बचाव होता है। अच्छा, ऐसा बहुत सारा सांस की बीमारी भी होती है जो आदमी को जो है दमा हुमा टाइप का से बहुत मतलब इतना जो यहाँ पे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है और वो इस तरह के मतलब गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मास्क लगाइए थोड़ा सोशल डिस्टेंस, तो वो लोग बेवकूफ है। ये सब स्कैम है और कुछ नहीं है, ये सब जो है ना कमाने का धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। ये मास्क कोरोना फरोना सब बकवास है, इससे कोई बचाव नहीं होता है। अरे तो इस तरह की जो केसेस आ रहे हैं, पिछली बार भी आया था, तो लोग अगर मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो उनसे वो कोरोना से बच सकते हैं ना जी। देखिए ये जो फैलाया हुआ ना वे सब जो फैलाया हुआ है ना, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार का बात है। ठीक है, मास्क लगाने से ना कोरोना से बचाव होता है ना कुछ होता है, इसे आदमी का मन में डर बैठाने के लिए और कुछ नहीं। मतलब पिछला बार जो आदमी मारा था इतना वो इसी मर गया था, जैसे अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो खुद तो इन्फेक्ट होंगे, दूसरों को भी करके उसका जान ले लीजिएगा। ऐसा अच्छा बात है जी, पर ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना जानते हैं आप, कितना जानते हैं तो आप कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं आप, है आप बताइए ना, आप कितना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े तो चिंता रहे। देखिए इधर 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 आइए, दिखाइए लोगों को, मास्क जरूरी है ना जी पहनना है, पहनोगे ना है, सब कोचिंग ऊपर ऊपर बांधे डर के मारे सर, मास्क उस पहनना जो वाह 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 वाह, इधर देखिए इनको देखिए, वाह तुमने तो कुदरत का मुजस्मा ही बदल दिया मेरे यार, वाह। अरे नहीं मार नहीं रहे हैं, बहुत हम तुमसे प्रसन्न है, लेकिन सबका चुली उली लपेटा टांगो, इधर इधर लाओ जी मास्क दो इसको, बहुत बढ़िया सब काम कोची कर रहे हैं जी, है फाइन क्वालिटी है। चलो ठीक है, तुम मास्क पहनो, ठीक है, और कोरोना से बचाओ, ठीक है ना जी। इस बार हम लोग को एकदम बच कर रहना बहन, जो थर्ड वेब उठ पे कुछ सबका गांव मार देंगे, BF3 ठीक है। तो इस तरह से बचाव के लिए मुहिम हमारी जारी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज पे लाइव, हमारी कोशिश रहती है कि कोरोना से आदमी का गांड वाड़ ना फटे, आदमी बचा रहे। और अभी जैसा कि हमने आप वादा किया था कि हम इंडोनेशिया से जो अपना एक्सपर्ट हुन ते लोड़ा याशी जी को बुलाए हैं, तो हम उनको भी अभी बुलाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए धाकड़ न्यूज जी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमने इंडोनेशिया से जो कि एक्सपर्ट बुलाया है, तो उनसे हम आपको दिखाएंगे और कोरोना पर उनके विचार लेंगे। सिर्फ इंटरनेशनल धाकड़ न्यूज चैनल पर ये सब चीजें संभव हो पाती है, कहीं कोई आंडू गांडू चैनल थोड़े है जी। तो आइए देखिए हमारे साथ मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आप कम हेयर, ये देखिए हमारे साथ ये मौजूद है हुन ते लोड़ा याशी जी यहाँ पे हैं। तो इनसे जैसे कि अभी कोरोना का मामला बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे पहले तो धागे न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कोरोना का वेरिएंट है किस तरह से क्या एक मतलब किस तरह से असर करता है लोगों पर, किस तरह से इफेक्ट डालता है।
आप बोल रहा है जी, ट्रांसलेटर नहीं ला। अच्छा अगर लोगों को मतलब कोरोना से बचना है तो क्या क्या स्टेप उनको फॉलो करने चाहिए? आप बोल रहा है जी बहन जी, कुछ समझे में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। गूगल ट्रांसलेट का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे इंडोनेशियन टू हिंदी। चलिए एक बार फिर से बताइए कि जो कोरोना से फिर से फ्रॉम कोविड कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनका कहने का मतलब है मैं एक मुर्गे के साथ संभोग करना चाहता हूँ। मुर्गे के साथ संभोग? कोची कौन लैंग्वेज है जी, थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे। एक बार और थोड़ा सा कीजिएगा, बोलिए कि कैसे बचेगा आदमी। पत्थर बेल घोड़ा लकड़ी माई हूँ एक सुंदर चौकड़ी। कोची बोल रहा है जी, तुम सर कहाँ से आया है जी, कौन सा देश से आया है? चाइना 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 तुम चाइना से आया है? अगर पीना पड़ेगा।